स्वात ब्रिगेडियर असलम ने कांजो अयूब ब्रिज का इफ्तिताह कर लिया। जुलाई 2010 के सैलाब में तबाह होने वाला कांजो अयूब ब्रिज हर किस्म ट्रैफिक के लिए खोल दिया गया, जिस पर आवाम में खुशी की लहर उठ गई और एक दूसरे को मुबारकबाद और मिठाई भी तकसीम किए गए। आज इसकी इफ्तिताह हो चुका है और बड़ी खुशी की बात है, हम लोगों ने मिठाइयाँ भी तकसीम की। और यार अल्हम्दुलिल्लाह, ये तो बहुत अच्छा काम हुआ कि अयूब ब्रिज मेरे ख्याल में 5 साल बाद खुल गया। हम अभी आ रहे थे तो जब हमने देखा तो मैंने उसको कहा कि अल्लाह की फजल से ये पुल खुल गया, ये हमारी सबसे बड़ी ख्वाहिश थी और हम सब बहुत खुश हैं, क्योंकि यहाँ जो है ना बहुत आबादी है और तकरीबन 10 लाख के लोगों को बहुत इंतहाई तकलीफ था ये पुल की वजह से। और अल्हम्दुलिल्लाह आज अल्लाह का एहसान है, जैसे एक ईद की जैसा खुशी जो है ना महसूस हो रही है। ये तो बहुत ज़्यादा खुशी है जनाब, क्योंकि बहुत तकलीफ थी लोगों को, इधर ट्रैफिक भी बहुत ज़्यादा जाम होता था और इधर कच्चे में आना जाना तकरीबन 1.5 घंटा हमारा ज़ाया हो जाता। कांजो अयूब ब्रिज 2010 के सैलाब में तबाह हो गया था, जिस पर काम ANP के दौरे हुकूमत में शुरू हुआ था, लेकिन ठेकेदार तामीरात काम अधूरा छोड़कर गायब हो गया, जिसके बाद पुल पर तामीरात काम रुक गया। मौजूदा सूबाई हुकूमत ने पुल पर तामीरात काम के लिए मजीद फंड मुख्तस करके दोबारा काम शुरू कर दिया। आखिरकार 4.5 साल बाद पुल तामीर हो गया। इसके साथ अर्जी पुल भी बनाया गया था, जिस पर अंदरूनी करने वाले अफराद को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ता था और हर दोनों तरफ गाड़ियों की लंबी कतारें नजर आती थी। 2010 के सैलाब में तबाह होने वाला कांजो अयूब पुल ट्रैफिक के लिए खोल दिया गया। 8 लाख आबादी को दरपेश मुश्किलात खत्म। अब्दुल्ला शीरिन, कैपिटल TV, कांजू, स्वात।